सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने घोषणा की है कि पिछले साल उनके मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह दुनिया भर में लगाए गए कोरोना लॉकडाउन के कारण तेल की मांग में आई कमी है। कंपनी को साल 2019 में जितनी कमाई हुई थी उसकी तुलना में पिछले साल 45% का नुकसान हुआ है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सऊदी अरामको ने इसके बावजूद $49 अरब का मुनाफा कमाया है। इसके साथ ही सऊदी अरामको ने यह भी कहा है कि कंपनी के शेयर धारकों को फिर भी डिविडेंड लाभांश दिया जाएगा और ये रकम $75 अरब के बराबर होगी। अरामको की सबसे बड़ी शेयर धारक सऊदी अरब की सरकार है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हाल के इतिहास में ये कंपनी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सालों में से एक था। पिछले साल कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में जिस तरह पाबंदियां लगाई गई थीं, उसकी वजह से उद्योग बंद हो गए थे, लोगों की यात्राएं स्थगित हो गई थीं और रोजमर्रा की जिंदगी की कई गतिविधियों में ठहराव आ गया था। इन सब का असर तेल और ऊर्जा की मांग पर पड़ा और तेल की कीमतों में 5 गुना तक की गिरावट देखी गई थी।